हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान के या राजपूताने के राजवंशों में बीकानेर का राठौड़ राजवंश। छोटा पार्ट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। हमने मारवाड़ यानी जोधपुर का राठौड़ वंश कर लिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वंश राठौड़ों का है वो बीकानेर में है। नाम बीकानेर है, बीकानेर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका थे, जिन्होंने 1465 में जांगल प्रदेश या जिसको जांगलू प्रदेश कहा जाता था, जो पहले बीकानेर का प्रदेश होता था, वहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना की। इसके पीछे कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ हैं, जिसमें यह भी माना जाता है कि उसके पिता ने उसको ताना दिया। बहरहाल जो भी इशू रहा हो, एग्जाम पॉइंट से ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जांगल प्रदेश में एक नया राज्य स्थापित किया और ये स्थापना उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से की। तब से करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। 1488 में इस जांगलू प्रदेश का नाम दिया गया बीकानेर, राव बीका के नाम के पीछे बीका और नेरा जाट के नाम के पीछे नेर और बीकानेर कहलाए। अभी 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का काल था, वही लड़ाइयां जो मारवाड़ के इतिहास में हमने देखी। छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे फ्यूडिटरीज आपस में लड़ रहे हैं। कभी वो फ्यूडिटरीज ज़्यादातर जो हैं वो राजपूत वंश के ही हैं, कभी उनके जो लड़ाइयाँ, छोटी लड़ाइयाँ, जो छोटे मोटे स्कर्मिशेज जो हैं वो चौहानों के साथ होते हैं, पूगल के भाटियों के साथ होते हैं, सांकलाओं के साथ, खींचियों के साथ, कायम खानियों के साथ, इन सब के साथ इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विवाह और युद्ध दो ही तरीके होते थे उस जमाने में। तो बीका ने भी पूगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया और पूगल के भाटियों का समर्थन मिलने से बीका की शक्ति बढ़ गई। राव बीका ने ही करणी माता का मंदिर देशनोक में बनाया। मूल रूप से मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया, बाद में सूरत सिंह और गंगा सिंह जो इनका समय समय पर जीर्णोद्धार करते हैं। 1504 में राव बीका की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नरा या जिसको नारायण कहा जाता है वो सत्ता में आते हैं। उसके बाद में वो एक साल का उनका शासन रहता है। अगले शासक बीकानेर के बनते हैं राव लूणकर्ण। राव बीका का असेसमेंट अगर करा जाए राव लूणकर्ण की बात करने से पहले, तो राव बीका काफी बहादुर थे और ऐसा माना जाता है कि राव जोधा के पुत्रों में सबसे ज़्यादा एडवेंचरस थे। उनके कई पुत्र हुए, उनमें बीका सबसे ज़्यादा एडवेंचरस थे और वो अलमस्त रहते थे काफ़ी, जो है जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो परवाह करने वाले उनके स्वभाव में उनका तो नहीं था। वो तो बहुत बातें इनके बारे में, बट आप इतना समझ लीजिए, राव सुजा जब मारवाड़ के शासक बने तो बीका ने अटैक किया, सुजा को हराया और मारवाड़ के राठौड़ वंश के जितने भी राज चिन्ह वो सब लेके अपने राज्य में ले आए। बहरहाल बीका की मृत्यु के बाद नरा की मृत्यु के बाद नरा के बाद में राव लूणकर्ण सत्ता में है। ये 1505 से 1526, ये 1526 का काल आपको याद होगा, बाबर का आक्रमण हो चुका था, पहला पानीपत का पहला युद्ध हो चुका था, तो उस समय की परिस्थितियां हैं। नागौर में मुस्लिम शासक था मोहम्मद खान, उनको इन्होंने पराजित किया। 1526 में एक युद्ध होता है जिसे धौसी का युद्ध या धौसा का युद्ध भी कहा जाता है। उसमें नारनौल हरियाणा में जो है स्थित है, नारनौल के नवाब से लड़ाई करते हुए राव लूणकर्ण जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बाद के कवि हैं बीटू सूजा, जिन्होंने राव जैसी रोचन नाम की रचना लिखी, काफी डिंगल की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। उसमें इनको यानी राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। एक और राइटर है जिसका नाम है जय सोम, जिन्होंने कर्म चंद्र वंशोत्कीर्तकम नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें भी कहा है कि काफी दानवीर थे, ऐसे दानवीर थे जैसे महाभारत में कर्ण थे। राव लूणकर्ण के नाम पे अगर अचीवमेंट देखा जाए कल्चर के नाम पे, तो उन्होंने लूणकर्ण शहर जो है में जो झील है उसका निर्माण इन्होंने करवाया। अगले शासक है राव जैतसिंह, उन्होंने हुमायूं के बड़े भाई कामरान को युद्ध में पराजित किया, जिसका वर्णन बिटू सूजा की पुस्तक राव जैतसिंह के छंद में मिलता है। उसी समय मारवाड़ में मालदेव काफी शक्तिशाली हो चुका था, तो उन्होंने बीकानेर पर अटैक किया, इसलिए ये भाग के शेरशाह के दरबार में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद जा नहीं पाते, तो फिर संदेश भिजवाते हैं शेरशाह को मारवाड़ पर अटैक करने के लिए आमंत्रित करते हैं। 1541 में श्री गंगानगर में एक जगह है साहेबा, उसको पाहेबा भी कहा जाता है, पाहेबा की लड़ाई होती है जिसमें ये मालदेव से पराजित होते हैं। अगले शासक है राव कल्याणमल, 1541 से 1574। अब ये वो काल है जब मुगलों ने दोबारा अपने आप को अकबर के शासन में स्थापित कर दिया। राव कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राठौड़ शासक बनते हैं जब अकबर ने नागौर में अपना दरबार बुलाया। इससे पहले 1544 में जो गिरी सामेल का या जैतारण का युद्ध होता है उसमें वो शेरशाह की तरफ से लड़ते हैं मालदेव के खिलाफ। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, अपनी पुत्री का विवाह वो अकबर से करता है और अपने दो पुत्रों को अकबर के दरबार में भेजता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट था पृथ्वीराज, जो बहुत बड़े कवि भी बने। पृथ्वीराज को डिंगल साहित्य में पीथल भी कहा गया है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये ग्रंथ अपने
जो डिंगल काव्य के लिए इतना मशहूर हुआ कि दुर्सा आड़ा ने इसको पांचवा वेद 19वां पुराण कहा है। एक इटली के बाद में व्यक्ति आते हैं एलपी टेसिटोरी, जिनके बारे में बाद में हम तफसील से बात करेंगे। एलपी टेसिटोरी ने उनको डिंगल का हॉरेस कहा है। कालांतर में अकबर इन्हीं पृथ्वीराज को गागरोन का किला देते हैं झालावाड़ में, एक जो एक जल दुर्ग है। कल्याणमल के बाद में अगले शासक बनते हैं राय सिंह। राय सिंह वही व्यक्ति है जो पृथ्वीराज के अलावा दूसरे व्यक्ति जो उनके दरबार कोर्ट में जाते हैं, कल्याणमल के जो दो पुत्र जाते हैं उसमें राय सिंह और पृथ्वीराज थे। तो अब राय सिंह अगले शासक बीकानेर के। अकबर के अधीन अकबर के दरबार में रहे, गुजरात और काबुल अभियान में उनके साथ रहे। 1572 में जब राव चंद्रसेन के समय अकबर की अनबन हो गई तो उस समय राय सिंह को जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया था अकबर ने। ये महाराजा धीराज और कई बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते हैं। अकबर ने इनका मनसब बढ़ाया था, 5000 कर दिया था। वहीं साउथ में दक्कन में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। राय सिंह का एक प्रसिद्ध मंत्री था, प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था करमचंद्र, जिस पर ही पुस्तक जयसोम ने लिखी है करमचंद्र वंशोत कीर्तकम। यही करमचंद जो है वर्चुअल रूलर होता है बीकानेर का। जब राय सिंह अभियानों में थे तो बीकानेर की सत्ता को इन्होंने संभाली और इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुछ किताबें कहती है कि इसको भी चिंतामणि का खिताब दिया गया, लेकिन कुछ किताबों में इसका कॉरोबोरेशन नहीं मिलता। इसी किले के अंदर एक अभिलेख है जिसको राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। वर्तमान में जूनागढ़ किला किला है जहां पर अभी टूरिज्म विभाग ने सबसे पहली किसी दुर्ग में जो लिफ्ट लगी है वो जूनागढ़ में। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया और उन्होंने दूर दूर तक अभियान किए, जिसमें उनके अभियान सिरोही तक गए, जिसमें उन्होंने देवड़ा सुल्तान शासकों को भी पराजित किया। साहित्य के उपासक थे, उनके समय में कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ, कई ग्रंथों की रचना उन्होंने करवाई। राय सिंह महोत्सव नाम का ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष रत्नमाला नाम की पुस्तक पर उन्होंने टीका लिखवाई। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने खुद नहीं लिखी, किताब का नाम था बाल बोधिनी। अब जो ये किताब है करमचंद्र वंशो कीर्तक काव्यम, जो ये किताब है इसमें राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि भी दी गई। मुंशी देवी प्रसाद आगे जाके हिस्टोरियन होते हैं, वो इनको राजपुताने के कर्ण कहते हैं। कलयुग के कर्ण अलग है, लूणकर्ण है, ये राजपुताने के कर्ण। अभी करमचंद इतना शक्तिशाली हो गया था, वो चाहता था कि वो उसका पुत्र दलपत सिंह, राय सिंह का पुत्र दलपत सिंह शासक बने और राय सिंह को साइडलाइन कर दिया जाए। कालांतर में कई घटनाएं घटती, कई छोटी मोटी बातें होती, वो राय सिंह जो है थक के जो है फिर वो दरबार दिल्ली दरबार में चले जाते हैं और अगले शासक जो बनते हैं वो दलपत सिंह। दलपत सिंह एक साल के लिए शासक रहते। चूंकि ये राय सिंह के प्रिय नहीं थे, राय सिंह चाहते थे कि सूर सिंह सत्ता में आए, लेकिन करमचंद्र के षड्यंत्रों से दलपत सिंह बन जाते हैं। उधर वो दरबार में अपने प्रभाव डालते हैं राय सिंह और आखिरकार जहांगीर जो है उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। मीनवाइल दलपत सिंह का व्यवहार भी काफी खराब होता है, इसलिए जहांगीर जो उस समय एम्परर बन चुके थे, मुगल बादशाह बन चुके थे, ऐसा माना जाता है इनको जो है मृत्युदंड की सजा भी उन्होंने घोषित कर दी थी। बहरहाल बहुत घटनाएं होती, इवेंचुअली उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और 1613 से 1631 तक सूर सिंह नए शासक बनते हैं। ये राय सिंह के पुत्र थे जिनको राय सिंह सत्ता में लाना चाहते थे। मुगलों की सेवा में रहे, कई विद्रोहों में मुगल सेना के साथ रहे, जिसमें खाने जहां लोधी का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह इत्यादि में वो रॉयल आर्मी के साथ थे। इनकी भी बुरहानपुर में ही मृत्यु हुई। अगले शासक है कर्ण सिंह, 1631 से 1669। इनके समय थोड़ा सा काल जो है वो शाहजहां का है, शाहजहां काल है मेन, और उसके बाद थोड़ा सा औरंगजेब का काल है। ये भी मुगल सेवाओं में अलग अलग अभियानों में रहे। इसी समय एक इंपॉर्टेंट घटना घटी, नागौर के साथ में जाखणिया नामक जगह पर मतीरे की राड़ नाम की एक लड़ाई हुई, जो कि मूल रूप से एक मान सम्मान की लड़ाई थी, जिसमें एक बेल जो है वो नागौर के एरिया में होती है जबकि उसका जो तरबूज है वो बीकानेर के परगने में होता है, तो बीकानेर स्टेट में होता है, तो इस बात को विवाद हो जाता है और उसमें लड़ाई होती है। नागौर का उस समय शासक था अमर सिंह, शुरू में अमर सिंह ने पराजित कर दिया लेकिन बाद में राय सिंह, बाद में बीकानेर जो है इसमें विजयी होता है। फिर शाहजहां अंतिम काल चल रहा था 1757 में, 1657-58 में औरंगजेब और उसके भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो कर्ण सिंह बीकानेर आ जाते हैं और बाद में जब देखते हैं औरंगजेब का पलड़ा भारी हो गया तो अपने दो पुत्रों को उनकी सहायतार्थ भेजते हैं। एक संस्कृत का ग्रंथ है, इसका नाम है सुक्त सप्तशती, जिसका बाद में ट्रांसलेशन होता है तूतीनामा के नाम से, जो कि चिंतामणि भट्ट ने लिखा है। उस किस किताब में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। कर्ण सिंह विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों की सहायता से उन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नाम की पुस्तक की रचना करवाई। उनके दरबार में गंगाधर मैथिल नाम के कवि थे जिन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नाम के दो ग्रंथ लिखे। अगले शासक हैं अनूप सिंह, 1669 से लेकर 1698 तक, ये इनका पूरा कार्यकाल औरंगजेब के समय में बीता और औरंगजेब के बहुत प्रिय थे। औरंगजेब ने 1570 में मराठों के खिलाफ, खासकर शाहजहां के खिलाफ इनको भेजा। इनकी वीरता से प्रभावित होकर महाराजा की उपाधि देते हैं, तो महाराजा की उपाधि दरअसल जो सही रूप में देखा जाए तो अनूप सिंह ने धारण की थी। राय सिंह ने महाराजा धीराज इत्यादि इत्यादि उपाधियां की, लेकिन ट्रूली पहला राजा जो महाराजा की उपाधि धारण करता है वो अनूप सिंह है। औरंगजेब ने उनको माही मरातिब की उपाधि भी दी। औरंगजेब के बीजापुर और गोलकुंडा अभियानों में भी अनूप सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दक्कन में जब वो थे तो बहुत सी मूर्तियां लेके आए दक्कन से बीकानेर राज्य में, और वहां पर उन्होंने
33 करोड़ देवताओं के मंदिर की स्थापना की, इसमें कई मूर्तियां रखी गई। अनूप सिंह जितने बड़े जनरल थे, कमांडर थे, उससे भी बड़े साहित्य और कल्चर को प्रसिद्ध देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना करवाई, जैसे आमेर में पोथी खाना था वैसे यहाँ पर। इनकी जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है वो मानी जाती है बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, बीकानेर शैली की चित्रकला का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। और बीकानेर की चित्रकला पर, चूंकि ये दक्कन भारत में ज्यादा रहे थे, तो दक्कनी कलम यानी दक्कन की पेंटिंग का बहुत ज्यादा इंप्रेशन, बहुत ज्यादा प्रभाव है। इनके दरबार में एक व्यक्ति था आनंद राम, जिन्होंने गीता का मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया। खुद अनूप सिंह बहुत बड़े विद्वान थे, कई ग्रंथों का प्रणयन किया इन्होंने, जिसमें अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रयोग, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ऐसी कई किताबें उन्होंने लिखी। उनके दरबार में कई विद्वान और भी थे, जिसमें मणिराम था, जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर नाम का ग्रंथ लिखा। इसके अलावा मणिराम ने अनूप विलास और भी कई ग्रंथ लिखे। एक और विद्वान इनके दरबार में जिनका नाम है अनंत भट्ट, अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर नाम की पुस्तक लिखी। अनूप सिंह के समय में संगीत का भी काफी विकास हुआ। एक संगीताचार्य जिनका नाम है भाव भट्ट, वो संगीत अनुपांकुश नाम के ग्रंथ की रचना करते हैं, जिनका विषय वस्तु संगीत है। इसके अलावा अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर किताबें भी संगीताचार्य भाव भट्ट ने ही लिखी। तो ये अनूप सिंह है। अनूपगढ़ जो है वो एक कस्बा है, वो भी अनूप सिंह के नाम के पीछे है। जितने भी राजा उनके नाम के पीछे, जो बीकानेर के प्रदेश है उसमें छोटे छोटे कस्बे हैं, चाहे वो सुजानगढ़ हो, चाहे वो अनूपगढ़ हो, चाहे वो सूरतगढ़ हो, चाहे वो रायसिंह नगर हो, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, किसी न किसी राजा के पीछे। अनूप सिंह के बाद में स्वरूप सिंह सत्ता में आते हैं, 2 साल तक सत्ता में रहते हैं, लेकिन उनके 2 साल के बाद में नए शासक बनते हैं सुजान सिंह, 1700 से लेकर 1735। अब ये काल है औरंगजेब के 7 साल और बाकी जो परवर्ती मुगल, मराठे वगैरह पावरफुल हो चुके हैं, विकेंद्रीकरण सत्ता का हो चुका है। तो अब ये विकेंद्रीकृत शक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण कर रही है। ऐसे समय में नागौर के बख्तावर सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह इत्यादि ने बीकानेर पर अटैक किया, किंतु उनके इन्वेजन जो है असफल रह गए। इस लड़ाई को बरसलपुर की लड़ाई कहा जाता है। और इस विजय पर, बरसलपुर विजय पर, मथेरण जोगीदास नाम के एक व्यक्ति ने सुजान सिंह रो रासो नाम की ग्रंथ की रचना। अगले शासक है महाराजा जोरावर सिंह, 1735 से 1746। इन्होंने होड़ा सम्मेलन में बीकानेर की ओर से पार्टिसिपेट किया। मुंशी देवी प्रसाद हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि जोरावर सिंह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने पूजा पद्धति और वैद्यक सागर नाम के 2 संस्कृत ग्रंथ लिखे, जो आज भी बीकानेर की पुस्तकालय में उपलब्ध है। इनकी माता सिसोदनी माता कहलाती थी, जिन्होंने बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। अगले शासक है महाराजा गज सिंह, 1646 से 1687। दरअसल जोरावर सिंह का कोई पुत्र नहीं था, उनका कोई हेयर अपेरेंट नहीं था, तो फिर नागौर के शासक अमर सिंह के भाई राज सिंह के पुत्र को सत्ता में लाया गया। 1687 में मारवाड़ की सेनाओं ने बीकानेर पे अटैक किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उस समय दिल्ली दरबार पे अवध के नवाबों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जिनको वजीर नवाब भी कहा जाता था, वैसे ही नवाब था सफदरजंग। तो नवाब सफदरजंग ने भी बीकानेर पर अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन वो भी असफल रहा। बाद में मुगल बादशाह के साथ उनके संबंध बेहतर हो गए, उनको 7,000 मनसबदारी दी गई। उन्होंने श्री राज राजेश्वर, महाराजा धीराज इत्यादि बड़ी बड़ी उपाधियां भी ली। 1755 में बीकानेर के प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा, तो अकाल राहत के लिए इन्होंने कई निर्माण करवाए। ऐसा माना जाता है बीकानेर के जो कोर्ट का निर्माण है, जहां पर कोर्ट गेट बना हुआ है, वो इन्हीं के समय बना। बीकानेर राज्य में ही बीदासर के पास दड़ीबा नामक स्थान पर इनको कई माइंस मिली, जिसमें चांदी इत्यादि निकली। चांदी के अलावा तांबा भारी मात्रा में निकला, इससे इनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई। इन्होंने नोहर नामक कस्बे की स्थापना कराई। इनके दरबार में गार्डन गोपीदास नाम के कवि हुए, जिन्होंने महाराज गज सिंह रो रूपक नाम के डिंगल काव्य की रचना की। इसी नाम की एक और किताब इन्हीं के दरबार में सिंडायज फतेह राम ने लिखी। फतेह राम ने इसके अलावा एक और किताब लिखी, महाराजा गज सिंह राग गीत कवित दोहा। अगले शासक है सूरत सिंह, 1787 से 1828 तक। इनके टाइम की जो इंपॉर्टेंट घटना है, तो 1805 में इनके सेनापति थे अमरचंद सुराणा, उनके प्रतिनिधित्व में उन्होंने भटनेर पर कब्जा कर लिया। मंगलवार का दिन था, इसलिए इसका नया नाम रखा गया हनुमानगढ़। 1799 में, यानी इस घटना से करीबन 5-6 साल पहले, उन्होंने सूरतगढ़ नाम का एक कस्बा बसाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉर्ज थॉमस ने इस समय बीकानेर पर अटैक किया, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहा। 1807 में जब मान सिंह और जगत सिंह के बीच में गिंगोली का युद्ध होता है कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर, उस समय ये जयपुर की तरफ से सेना में भाग लेते हैं। इन्होंने करणी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इनके समय में कई सामंतों के विद्रोह भी हुए, उनको अंग्रेजों की सहायता से दबा दिया। चारों तरफ जो है अराजकता का माहौल था। ऐसा माना जाता है कि इनके समय इन्होंने छोटी मोटी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि राजकोष लगभग खाली हो गया था। इससे खिन्न होकर आखिरकार उन्होंने
1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अगले शासक है महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851। वही स्थितियां जो अन्य राज्यों में हुई, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेज जैसे करते थे वैसे इनको आगे करना पड़ा। रतन सिंह ने सबसे पहले राजपूतों में जो कन्या वध होता है उसके रोकने के लिए सामंतों को बुला के एक सामूहिक शपथ दिलाई, जिसे राजस्थानी भाषा में आण कहा जाता है। 29 में बीकानेर और जैसलमेर के बीच में लड़ाइयों का एक सिलसिला चलता है, जिसमें आखिरी लड़ाई कहलाती है बासनी की लड़ाई। इस लड़ाई में आखिरकार अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं और समझौता हो जाता है। इस युद्ध की खास बात यह है कि राजपूताने के राज्यों में जो परस्पर लड़ाइयां होती थी आपस में, ये अंतिम लड़ाई मानी जाती है। इसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया तो अंग्रेजों ने ऐसे कोई युद्ध नहीं होने दी। अब चूंकि ये अंग्रेजों की तरफ से थे तो अंग्रेजों की तरफ से 1844 में जो अफगानिस्तान की लड़ाई हुई उसमें ये शामिल हुए। दूसरे सिख युद्ध में भी ये शामिल हुए जब डलहौजी गवर्नर जनरल थे। उन दिनों बीकानेर और उत्तरी राजस्थान में दो बड़े धड़ायत होते थे, डकैत होते थे, जिनको डूंग जी और जवाहर जी कहा जाता था। जो उनकी छवि लगभग रोबिनहुड जैसी थी, लोगों में बहुत प्रचलित थे, उनके नाम की गई गीत भी जो है राजस्थान की मान्यताओं में है। तो जवाहर जी को अंग्रेज सरकार पकड़ना चाहती थी, लेकिन महाराजा रतन सिंह ने उनको सुपुर्द नहीं किया। इन्होंने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर के निर्माण में भी भूमिका निभाई। इनके दरबारी कवि का नाम था बिट्टू सोमा, जिन्होंने रतन विलास नाम का ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा। एक और कवि है सागरदान, जिन्होंने रतन रूपक नाम के डिंगल ग्रंथ की रचना की। अगले शासक हैं महाराजा सरदार सिंह 1851 से लेकर 1872 तक। 1857 की जब विप्लव हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े और ये एकमात्र ऐसे शासक बने जो अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर से बाहर जाकर भी उन्होंने विद्रोह को दबाने में रोल प्ले किया। इन्हीं के टाइम में 1868 में अंग्रेजों ने सुजानगढ़ में एक एजेंसी की स्थापना की। 1854 में बीकानेर में समाधि प्रथा, सती प्रथा इत्यादि पर रोक लगा दी गई। सरदार सिंह की एक खास बात यह है कि जब सत्ता में कोई शासक आता था तो एक कर लगाया जाता, इसको बाच कहा जाता था। बाच नाम का कर महाजनों से वसूल किया जाता था, उस पर इन्होंने रोक लगा। सरदार सिंह ने अपने सिक्कों पर मुगल बादशाह के नाम को हटवाकर महारानी विक्टोरिया का नाम छुपाना प्रारंभ कर दिया। अगले शासक है महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887। महाराजा सरदार सिंह के कोई पुत्र नहीं था, अंग्रेज रेजिडेंट कैप्टन बर्टन थे, उनके कहने पर डूंगर सिंह को सत्ता में लाया गया। अंग्रेजों का जब अफगान अभियान चल रहा था 1878 में, 500 ऊंटों का एक जो रिसाला उन्होंने अफगानिस्तान में अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजा। इन्हीं के समय में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया जो है वो अस्तित्व में आया। इनके टाइम में एक सॉल्ट एग्रीमेंट होता है, आज समय खारे पानी की झीलों से संबंधित नमक जो निकाला जाएगा, कितना कर राजा को मिलेगा, कितना अंग्रेज रखेगी, नया एग्रीमेंट होता है। कई जो है नव निर्माण करवाए जाते हैं डूंगर सिंह के समय, जिसमें बीकानेर किले में सुनहरी बुर्ज, गणपति निवास, लाल निवास इत्यादि प्रमुख। अगले शासक है 1887 से लेकर 1943 महाराजा गंगा सिंह, जिनको बीकानेर के लोक में धरती का खंभ कहा जाता है। इनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी दा तरीके से हुई, ये मेयो कॉलेज से पढ़े थे, बाद में उन्होंने देवली की जो अंग्रेज कैंटोनमेंट है वहां से पढ़ाई करी। 1899 में जब चाइना में बॉक्सर रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने गंगा रिसाला वहां भेजा, इसको कैमल कोर कहा जाता था। वहां से ये विजयी होके आते हैं, चीन युद्ध मेडल प्राप्त करते हैं। ये वो समय था जब भारत में धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो रियासती भारत में भी कुछ प्रतिनिधि सभाएं बन रही थी। तो इन्होंने काफी पहले 1913 में ही बीकानेर प्रतिनिधि सभा की स्थापना करवा दी, जो ऐसा माना जाता था कि जो लोग हैं, जो लोग प्रतिनिधि है, उनके लोग उसमें आएंगे। हालांकि इसमें केवल नॉमिनल बातें रखी गई थी, सही मायने में ऐसा कुछ था नहीं। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया, वहां भी ये अपनी सेना, अपने ऊँटों का रिसाला लेके गए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1914 से 1918 में चला, 18 में खत्म हुआ। 1919 में पेरिस की संधियां हुई, उसमें वर्साय सेबरे न्यू जर्मन सेल कई संधियां हुई, 5-6 संधियां, उसमें वर्साय की संधि जो फेमस थी उसमें भी ये शामिल हुए। ये राष्ट्रमंडल सम्मेलनों में भी शामिल हुए। 1921 में भारत में स्थित जो मध्यम या छोटी रियासतें होती थी उनका एक संगठन बना, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, जिसको नरेंद्र मंडल कहा जाता है। 1921 में स्थापित हुआ, इसके पहले अध्यक्ष जो है महाराजा गंगा सिंह। 1925 तक वे अध्यक्ष रहे, उसके बाद 1927 में रियासती भारत को क्या क्या शक्तियां मिलनी चाहिए, उनकी क्या स्थिति होगी अंग्रेजी संघ में, उसके लिए कमेटी बैठी, इसका नाम था बटलर कमेटी। उसमें गंगा सिंह जो है उसमें उस कमेटी के सामने जो एक मेमोरेंडम देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो रियासत है बीकानेर रियासत को ब्रिटिश सरकार यानी गवर्नर जनरल इत्यादि से बात न करके सीधा अंग्रेज सरकार जो लंदन में है उनके साथ कम्युनिकेट करने का डायरेक्ट मौका मिलना चाहिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट फेल हो जाने के बाद में 1930 से लेकर 33 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज लंदन में बुलाई जाती है, तीनों में महाराजा गंगा सिंह शामिल होते हैं। तो वो लंदन से लौट रहे थे तो इटली की राजधानी रोम में रुके और वहां पर इन्होंने एक नोट लिखा रोम में, जो फेमस है रोम नोट के लिए। अब बीकानेर के शासक जो है पॉलिटिकली अचीव्ड है, अंग्रेजों के पिट्ठू होने के बावजूद इन्होंने काफी काम करवाए, लेकिन उस समय जो जनता की आवाज जो थी वो सप्रेस्ड रही, रिप्रेस्ड रही, उनको उन्होंने आगे नहीं आने दिया।
प्रतिनिधि सभा बनी, लेकिन वो केवल नाम मात्र की थी। स्वामी गोपाल दास, चंदन दास बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ इत्यादि ने बीकानेर दिग्दर्शन नाम का एक पैम्पलेट भी निकाला था, जिसमें महाराजा गंगा सिंह की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई। तो बीकानेर स्टेट ने बीकानेर षड्यंत्र केस इनके नाम पर खोल दिया। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था 1942 में, रघुवर दयाल ने बीकानेर प्रजामंडल परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था बीकानेर में प्रतिनिधियों की एक सभा स्थापित की जाए, जिसमें जनता की भागीदारी अधिकाधिक हो। लेकिन गंगा सिंह को ये किसी भी रूप में गवारा नहीं था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो बीकानेर में उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं होने दी। गंगा सिंह ने प्रतिक्रियावादी नीति तो अपनाई, लेकिन जनता के कल्याण के लिए कई कार्य भी करवाए। 1899 1900 जब छप्पनिया काल पड़ा था, उस समय उन्होंने कई झीलों का निर्माण कराया। ऐसी एक झील गजनेर झील थी। जांगल प्रदेश या बीकानेर स्टेट पानी की कमी से, पानी की स्केरसिटी से पहले से बहुत प्रभावित था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी की कमी रहती थी। लोगों की इस समस्या को निजात पाने के लिए उन्होंने गंग नहर को कंसीव किया, परिकल्पित किया, उसको बनवाना प्रारंभ किया। इसलिए उनको बीकानेर का भागीरथ भी कहा जाता है। उन्होंने बीकानेर में कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कई नए जो है जगहें बनाई। और ख़ास बात यह है कि सामंतों की, उस समय के जितने भी बड़े सामंत थे ए क्लास के और बी क्लास के, उनकी सैलरीज फिक्स कर दी और बाकी का रेवेन्यू सरकार ने खुद ले लिया। ये एक विशिष्ट प्रकार का अरेंजमेंट बीकानेर में हुआ। बीकानेर में क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की, जो महारानी लंदन की, ब्रिटिश महारानी जो थी उनकी याद में बनाया गया। गंगा सिंह उनके अंगरक्षक के रूप में भी वहाँ, अंगरक्षकों के हेड के रूप में भी वहाँ लंदन में काफ़ी समय तक रहे थे। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में उन्होंने लालगढ़ निवास को लाल पत्थर में बीकानेर में बनवाया। इसके अलावा उन्होंने रामदेवरा में मंदिर का निर्माण करवाया, गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण करवाया, और सबसे प्रमुख है कि उन्होंने करणी माता का मंदिर में काफ़ी संगमरमर का, मार्बल का कंस्ट्रक्शन करवाया। ऐसा माना जाता है कि वो करणी माता के अनन्य उपासक थे, और जब भी कभी विदेश जाते थे तो वहाँ पर तब तक बैठे रहते थे जब तक उनको आंतरिक अनुभूति नहीं होती थी कि अब मुझे चलना चाहिए। 1943 में उनकी डेथ हो। अगले शासक है महाराजा शार्दुल सिंह, जो बीकानेर के अंतिम राठौड़ शासक हैं। इन्होंने कई सामाजिक सुधार किए, जिसमें विवाह निमंत्रण कर होता है, उसको नोता कहा जाता है, उसको एबोलिश कर दिया। तख्त नशीनी की भाज कहा जाता है, जिसमें कोरोनेशन ड्यूटी लगती है, लेवी लगती है, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। बीकानेर की सेनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ईरान और बर्मा में जाती है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम के एम पन्नीकर था, जो बाद में संविधान सभा में भी जाते हैं, उनको बीकानेर में प्राइम मिनिस्टर का काम करवाया। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एज ए नॉमिनी भेजा। 7 अगस्त 1947 में बीकानेर पहली रियासत बनती है जिसने भारत में शामिल होने के लिए, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए, और इस तरह से अंतिम बीकानेर के अंतिम राठौड़ शासक साबित हुए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको नोट्स में बोल्ड फॉर्म में मिल जाएगी, इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह की जरूरत है, तो आपको ऐप पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारी एनसीईआरटी बुक्स एक साथ मिल जाएगी। खैर, आज के लिए इतना, खूब शुक्रिया।